अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर लेक्चर में हम केमिस्ट्री के हवाले से एक नया टॉपिक अंडरस्टैंड भी करते हैं, कुछ नए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। सो आज के लेक्चर में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, क्योंकि हम अल्कीन के हवाले से डिस्क्राइब कर रहे थे तो उसकी प्रिपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करना है? सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल स्टेट जो है किस फॉर्म के अंदर अल्कीन्स नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, ये हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे इनकी सॉलिबिलिटी के बाद से कि किस तरह के मीडियम में ये सॉलिबल हैं, किस तरह के मीडियम में ये इनसॉलिबल हैं। साथ ही साथ हम डेंसिटी की बात करेंगे अल्कीन्स की, और उसके बाद हम फ्लेमेबिलिटी की बात करेंगे कि जो बर्निंग कैपेसिटी, बर्निंग एबिलिटी है इनकी, उससे मुतालिक डिस्कशन होगी। और लास्ट में हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे कि किस तरह से अल्कीन्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है विद द मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है जी, सो ये तमाम पॉइंट्स आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। सो जी स्टूडेंट्स, चलते हैं टुवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। जहां तक फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के एतबार से मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जब अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, तो बिल्कुल वैसे ही उसी तरह के मिलते जुलते कुछ पॉइंट्स जो कि हमने आज डिस्कस करने। सबसे पहला पॉइंट जो कि हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कीन। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कीन है कि अल्कीन किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहां पर अगर आप देखें तो जो पॉइंट लिखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन विच एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट। ठीक है, वो गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, विच इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज ethene which is colorless and odorless गैस। ठीक है, यानी कि आप इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस की अगर आप बात करते हो तो ये एक कलरलेस, ठीक है, और ऑर्डरलेस मतलब कि स्मेल इसकी एज सच नहीं होती। ठीक है, ऑर्डरलेस गैस है ये। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा आपने याद रखना है जब आप बात करते हो अल्कीन की, या इवन आप बात करते हो अल्केन की, तो जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर साइज बढ़ाते हो, वैसे वैसे आपने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं, और जैसे जैसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ेंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी, तो आप देखेंगे कि ये जो अल्कीन्स हैं फर्स्ट मेंबर्स जिसके गैशियस फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, फिर कुछ मेंबर्स के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल 5 अप टू द 5, ठीक है, ये गैशियस फॉर्म में है, 5 से ऑनवर्ड 11 तक के लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और हार्ड जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो कि आप अल्केन के अंदर भी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट मेंबर की बात की, विच इज ईथीन विच इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि डेंसिटी, सॉरी सॉलिबिलिटी के बाद हमने सेकंड करनी है। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन, किसी एक कंपाउंड का डिसॉल्व होना इन सर्टेन मीडियम। ठीक है, सो जहां तक बात है अल्कीन्स की, जैसे कि हम जानते हैं कि ये भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, और हाइड्रोकार्बन क्या होता है नेचर में, अगर हम देखें तो बाय नेचर अगर हम देखें तो ये नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर कभी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, यानी वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होने वाले। सो अल्कीन्स कैन बी डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स विच इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, अल्कीन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड कैन डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का क्या मतलब है? यू मे टेक
अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल इटसेल्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नॉन पोलर कंसीडर होता है, ठीक है। यू मे टेक फिनोल, आप ले सकते हैं फिनोल ले सकते हैं, हेक्सीन ले सकते हैं, ठीक है, इवन हेक्सेन ले सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल हेक्सीन जो है, ठीक है, वो ले सकते हैं, हेप्टेन ले सकते हैं। तो ये ज्यादा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के जिनमें ये डिजॉल्व होगा, क्योंकि आपने नाइन्थ में ये बात पढ़ी भी है, लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, यानी कि पोलर विल डिजॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर विल डिजॉल्व नॉन पोलर। सो इस बात को मजीद जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि देखो आप जानते हैं कि वाटर जो है एक पोलर सब्सटेंस है, तो अगर ये नॉन पोलर है तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, अगर हम चाहेंगे भी इसको डिजॉल्व करना तो ये क्या करेगा, एक लेयर की फॉर्मेशन कर देगा। सो इस जो है पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक जो है मजीद एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूं, जिसमें कि आप खुद देखेंगे कि चूंकि अल्कीन्स जो है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो ये डिजॉल्व नहीं होंगे पानी के अंदर, हम जो पानी में डालेंगे तो ये लेयर्स फॉर्मेशन कर देंगे, एक दूसरे से इमिसिबल रहेंगे। सो जल्दी से देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स इस वक्त अगर आप देखें, आपकी बात देख रहे हैं, वी हैव कपल ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, और इन टेस्ट ट्यूब में हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे अपना सैंपल, यानी सैंपल मतलब ये कि अल्कीन को भी डालेंगे, ठीक है। हम अल्कीन लेंगे विच इज विच हैव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ग्रेटर देन फाइव, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले चार पांच मेंबर्स जो हैं वो गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद फिर लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई भी पांच से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला जो लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, वो हम अपना सैंपल ऑलरेडी ले चुके हैं, दैट मे बी हेक्सीन हेप्टीन, ठीक है, वो हम ले चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम वाटर डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या अल्कीन जो है वो वाटर सॉल्युबल है या नहीं। और आप इस एक्सपेरिमेंट से ये बात वाजे देखेंगे, देयर विल बी टू लेयर्स, ठीक है, और टू लेयर्स इस बात को इंडिकेट करेंगी कि वाटर के अंदर, चूंकि वाटर इट्सेल्फ पोलर है और अल्कीन नॉन पोलर है, तो ये दो लेयर्स बना लेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये जो है इस वक्त आपको दिखेगा भी कि देयर विल बी टू लेयर्स। अभी इस वक्त मिक्सिंग हम कर रहे हैं कि जी मिक्स होता है नहीं होता, क्योंकि हम शेक कर रहे हैं कि हमने पानी डाला ना किसमें, अपने हाइड्रोकार्बन में, यानी कि अल्कीन में पानी हमने डाला है, ठीक है जी। सो नाउ यू कैन सी द टू लेयर्स, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, देयर विल बी द टू लेयर्स, ठीक है, शेक किया जा रहा है ताकि जो है अगर कोई मिसिबिलिटी है, यानी डिजॉल्व होने की एबिलिटी है इन दोनों की, तो डिजॉल्व हो जाए, लेकिन डिजॉल्व नहीं होते। यू कैन क्लियरली सी द एग्जैक्ट लेयर्स, यानी टू लेयर्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपर लेयर एंड द लोअर लेयर। अपर लेयर आपकी अल्कीन होगी, क्योंकि वो जो है लेस डेंसर है, वाटर इज मोर डेंसर, तो इसलिए वो लोअर जो लेयर है, ठीक है, उसके अंदर आएगा। जी तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा कि सॉलिबिलिटी के एतबार से देखा कि अल्कीन्स आर नॉन सॉलिबल इन साइड नॉट सॉलेबल इन साइड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास डेंसिटी की हम बात करेंगे, डेंसिटी की कंपेरिजन की हम बात कर लेते हैं। अल्कीन्स में पहला मेंबर इथीन है और हम कंपेयर कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ इथीन विद एयर, ठीक है, हम एयर के साथ डेंसिटी ऑफ इथीन की बात करेंगे। चूंकि ये फर्स्ट मेंबर है, गैशियस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो हम ये बात कहते हैं कि इथीन विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज स्लाइटली लेस डेंस एज कंपेयर टू एयर, ठीक है, यहां राइट कर लेते हैं। Ethene is slightly less dense than air, ठीक है, यानी हवा की निस्बत ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लेस डेंस है, इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, ठीक है। रीजन क्या हो सकती है, देखो डेंसिटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन व्हाट, हम ये बात जानते हैं कि डेंसिटी का जो फार्मूला है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यही है ना हमारे पास, ठीक है। अब देखो लेट सपोज मैं एक तरफ एयर ले रहा हूं, सेम मास, इतना ही मास जितना कि मैं एक तरफ अल्कीन ले रहा हूं, ठीक है, एक तरफ मेरे पास इथीन है और एक तरफ एयर है, दोनों का मास सेम है, ठीक है। लेकिन अब देखें कौन सा पॉइंट हमारे पास डिफरेंस क्रिएट करेगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस पे बेस करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, क्योंकि इथीन जो है ये टोटली आप कह रहे हैं कि एक तो ये कि स्मॉलर साइज है इसका, दूसरा ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर और स्मॉलर साइज होने की वजह से इसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगी, जिस वजह से ये मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जब वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम की जो रेशियो है दैट विल बिकम लेस, बहुत छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, सो डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप एयर की बात करते हैं तो एयर कंटेंस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसमें के कुछ लार्जर साइज की गैसेस भी हैं जिनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉगर होती हैं, ठीक है, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉगर होने की वजह से क्या होगा, दे विल ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कम होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी, तो डेंसिटी ऑफ एयर विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू एथीन, ठीक है। सो ये पॉइंट था थर्ड पॉइंट जो कि हमने डिस्कस करना था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फ्लेमेबिलिटी, यानी फ्लेम की बात करेंगे कि फ्लेम अल्केन का और अल्कीन का कंपैरिजन अगर हम देखें तो क्या होता है।
जी, तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो है, हम इस वक्त देख भी रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग द फ्लेम ऑफ अल्केन विद अल्कीन, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम इस कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं, लेट सपोज मैं चार कार्बन वाला अल्केन लेता हूं और चार कार्बन वाला ही अल्कीन लेता हूं, तो फर्क क्या होगा इन दोनों में? फ्लेम यानी कि बर्निंग का अमल होगा, और जब बर्निंग का अमल होगा तो फ्लेम क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप जो है अपनी स्क्रीन पर देखें भी, तो जो अल्कीन है, ठीक है, जब हम उसकी बर्निंग करते हैं तो उसमें स्मोकियर फ्लेम डेवलप होता है। स्मोकी मतलब स्मोक डेवलप होता है, देख भी रहे हैं, ब्लैक कलर की स्मोक जो है वो डेवलप होती है बाय द बर्निंग ऑफ अल्कीन, ठीक है। जबकि अल्केन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फ्लेमेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, तो फ्लेम के हवाले से हम कह रहे हैं कि अगर हम दो अल्केन यानी अल्केन और अल्कीन अगर हम लेते हैं विद द सेम मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों के अंदर सेम होंगे, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अल्केन का जो फ्लेम होगा दैट इज क्लियर, ठीक है, और जो अल्कीन का फ्लेम है, ठीक है, वो स्मोकियर होगा, ब्लैक कलर की स्मोक को डेवलप करेगा, ठीक है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन अल्कीन एंड अल्कीन, बट अल्कीन कैन ऑल्सो बी बर्न जी। तो लास्ट बात हमने करनी है, और लास्ट हमारे पास पॉइंट क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। और जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर साइज बढ़ाते हो, वैसे वैसे जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं दैट विल बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और जैसे जैसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो हमारा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड का, वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं, एज द साइज ऑफ अल्कीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, increases the strength of intermolecular force also increase. And that increase the melting and boiling point of alkene. ठीक हो गया। यानी कि जैसे हमने अल्केन्स में भी कहा था कि व्हेनेवर वी इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर साइज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जैसे से आपकी चेन लेंथ बढ़ेगी, चेन लेंथ में इजाफा होगा, चेन लेंथ जो है बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम ये बात कह रहे थे कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ है दैट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, जब वो इंक्रीज करती जाएगी तो फिर क्या होगा कि हमारा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बिकम्स ग्रेटर। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम गैस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें विद लिक्विड, वो कम होगा ना, गैस का कम होगा, लिक्विड का ज्यादा होगा। और अगर लिक्विड और सॉलिड को कंपेयर करें तो हम कहेंगे सॉलिड विल हैव मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। सो ये फर्क है ना। सो जैसे जैसे आप साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं अल्कीन के केस में, वैसे वैसे आप कह रहे हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज में इजाफा हो रहा है, और जैसे जैसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे हम ये बात कहते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है जी। सो मुझे जो है उम्मीद है कि ये जो टॉपिक था हमारा, ये भी आपको समझ आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कि आपने समझा और समझ नहीं आई, ठीक है। खैर, जो पॉइंट रह भी क्या हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐप के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जरूर कोई रिस्पॉन्स दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।